वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाचने और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। फंडामेंटल राइट्स में आज हम ओवरव्यू की बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, और इसके बाद 6 to 7 वीडियोस आएंगी जो कि फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में डिस्क्राइब करेगा। अब जरा आगे चलें। CDS, NDA, FCAT, INET एंड टेरिटरी आर्मी टॉपिक आपकी मदद करेगा। अब अगर इंडियन पॉलिटी की आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे। फंडामेंटल राइट्स क्या होती है? फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके अधिकार, जो ऐसे अधिकार जो बेसिक अधिकार हैं और आपको चाहिए ही चाहिए, जिससे आप अपना जीवन व्यतीत कर सकें, मतलब अपना जीवन चला सकें, अपने परिवार का जीवन चला सकें, उनका विकास कर सकें और अपने देश का विकास कर सकें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अब ये मेंशन किया गया है पार्ट 3 में फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। ये जो हमने लिया है ये हमने यूएसए से लिया है और यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। अब हमारे देश का जो फंडामेंटल राइट्स हैं दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे फंडामेंटल राइट्स हैं और इसके बाद ये जस्टिशिएबल भी हैं, मतलब अगर आपसे कोई आपका फंडामेंटल राइट छीन लेता है तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं और लड़ सकते हैं और वो फंडामेंटल राइट आपको वापस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ तो आप कोर्ट में जा सकते हैं कि ये जो शुभम वाचने डिस्क्रिमिनेट कर रहा है मेरे साथ और मुझे अपनी फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग ये इक्वलिटी चाहिए, मुझे कि ये मेरे से अलग नहीं है, ये मुझसे बड़ा नहीं है, तो ये ऐसा हो सकता है। इसके बाद क्या है कि ये ऑल राउंड डेवलपमेंट पे आपके ध्यान रखता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका, आपके परिवार का, आपका देश के तीनों का विकास करता है, तो ये आपको देता है मटीरियल, इंटरेक्शन, मोरल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे डेवलपमेंट, तभी आप इन परिवार का, अपना और देश का विकास कर सकते हैं। इसके बाद ये मेक श्योर करता है कि आपको इक्वलिटी मिले, आपको इज्जत मिले और आप इस देश में यूनिटी के साथ, एकता के साथ रह सकें। इसके बाद ये बात मेक श्योर करता है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, ना कि कोई इंसान, ना ही कोई बिजनेसमैन, ना ही कोई मिलिट्री में रहने वाला कोई इंसान, ना ही कोई पॉलिटिशियन। बड़ा है तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट भी आएगा, प्राइम मिनिस्टर भी आएगा और सड़क पर चलता हुआ कोई आदमी भी आएगा। इसके बाद इसने एक बात बहुत ज्यादा ध्यान रखी फंडामेंटल राइट ने कि इस देश में कहीं भी डिक्टेटरशिप ना आ जाए, इस तरह से फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया है। अब चलते हैं आगे। अब हमारे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में थी 7 फंडामेंटल राइट्स, ये आपके सामने है। अब ये जो 7 फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया, वो है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 में मेंशन थी। अभी जो राइट टू प्रॉपर्टी हटाई गई, इसको हटाकर एक नए आर्टिकल में डाल दिया गया, वो था आर्टिकल 300A और ये आता है पार्ट 12 के अंदर। अब ऐसा क्यों करा गया? फॉर एग्जांपल आपके घर पे कोई मीटियोर आके गिर जाए, ठीक है, तो आप तो कह दो कि फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी और ये जो मीटियोर है ये भी मेरा हुआ क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी पे गिरा है। बट यहाँ पर भारत सरकार, क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रही, तो आपसे कह सकती है कि हम आपको इस जमीन के बदले कोई और जमीन दे देंगे, इस घर के बदले कोई और घर दे देंगे, ये जमीन सरकार की होगी क्योंकि जो मीटियोर गिरा है वो अब नेशनल इंपॉर्टेंस है, ये हमारे देश के लिए, विकास के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप ये घर को छोड़ के चले जाएं, इसलिए इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। ये एक एग्जांपल था। अब हमारे पास कितनी फंडामेंटल राइट बची? 6। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, पहले कितनी थी? 7, अब हो गई ये 6। किस अमेंडमेंट के अंदर? 44th अमेंडमेंट के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां से चलते हैं आगे। अब फीचर क्या है इस फंडामेंटल राइट के? देखिए, मान लो जैकलिन फर्नांडिस हैं, वो श्रीलंका की हैं, उनके लिए भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और आपके लिए भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, बट आपके पास फंडामेंटल राइट्स ज्यादा हैं, जैकलिन फर्नांडिस के पास फंडामेंटल राइट्स कम हैं। आगे हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज में कि इन फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है। इसके बाद आपके पास फंडामेंटल राइट है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, मतलब मान लो आपके पास फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच कि कुछ भी बोल लो आप, ठीक है, तो अब आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप ऐसा कोई नारा नहीं लगा सकते जो देश के विरोध हो, जैसे देश तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, जैसे JNU के स्टूडेंट कह दिया करते थे, या कश्मीर में कहा जाता है हमें चाहिए आज़ादी, तो ऐसा कोई नारा नहीं लगा सकते आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जिसमें देश की यूनिटी, सोवरेनिटी को तोड़ा जाए। ऐसे ही सभी फंडामेंटल राइट्स पे लागू होता है, तो आप सिर्फ ऐसी बातें कर सकते हैं जिसमें देश का विकास हो, जिसमें लोगों की यूनिटी बढ़ रही हो और देश की सोवरेनिटी को हार्म नहीं पहुंच रहा हो। सोवरेनिटी मतलब क्या होता है कि उसकी पावर उसके हाथ में ही है, मतलब देश की पावर देश के हाथ में ही है। अब यहां से आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या एक बात यहां पर तय होती है कि मान लो कोई फंडामेंटल राइट है तो वो कोई प्राइवेट फर्म पे लागू नहीं होती, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ फ्रीडम ऑफ प्रेस,
तो फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या होती है कि आप न्यूज़पेपर में मीडिया में कुछ भी छाप सकते हैं। अब मान लो आज तक है, फॉर एग्जांपल आज तक ने कहा कि मैं न्यूज छापना चाहता हूं और सरकार ने मना कर दिया तुम ये न्यूज नहीं छापाओगे, तो ये फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया। आज तक जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और कह देगा कि ये मेरी फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबा रहे हैं और मुझे ये चाहिए वापस, और इसके दम पर वो सरकार को हरा देंगे और फाइनली क्या होगा, आज तक वो न्यूज छाप लेगा। बट मान लो आज तक के अंदर कोई जर्नलिस्ट है, वो कहता है ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस की है और इसका छपना बहुत जरूरी है, तो क्या होगा, अगर मान लो आज तक के जो CEO हैं या कोई बॉस है उनका, उसने कहा ये न्यूज नहीं छपेगी, तो जर्नलिस्ट चाहे कितना दम लगा ले वो छाप नहीं सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए वो छाप नहीं सकता, क्योंकि अब वो प्राइवेट फर्म के अंदर आ रहा है। तो सोच के देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या कह रही है कि आप कुछ भी छाप सकते हैं, बट क्योंकि वो प्राइवेट फर्म के अंदर आ रहा है जर्नलिस्ट, तो अब वो नहीं छाप सकता। अब आगे चलते हैं इसके, अब जो फंडामेंटल राइट है वो एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है और सॉफ्ट टीचर का फेस भी है उसमें, मतलब फंडामेंटल राइट्स कई बार तो ऐसा स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि वो बिल्कुल भी हिलने नहीं देगा। फॉर एग्जांपल कोई जात पात धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करना चाह रहा है तो उसको एकदम स्ट्रिक्ट रखेगा, नहीं आप नहीं कर सकते। जैसे आर्टिकल 15 है, मूवी बन रही है, वो किसके ऊपर है, राइट टू इक्वालिटी के ऊपर, तो अब वहां पर उसने एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, जो पहले से प्रथा आ रखी थी अब वो बंद है, हमारे देश में अब सब बराबर हैं, चाहे वो कोई किसी भी जात का हो। इसके बाद इसमें पॉजिटिविटी भी है, मतलब वो ये भी कहता है राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप मान लो हिंदू में पैदा हुए हैं आप अपना धर्म मुसलमान में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। अब फंडामेंटल राइट्स अगर आपकी वॉलेट हो रही है तो आप किस कोर्ट के पास जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स अगर आपकी वॉलेट हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जाएंगे। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इस जो एक केस है फंडामेंटल राइट्स का ये हाई कोर्ट भी संभाल सकता है, तो हाई कोर्ट के पास भी आपको भेज सकता है, बट ओनली फंडामेंटल राइट के केस में ही आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। कोई और केस हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी का मर्डर कर दिया या आपके घर में चोरी हो गई, ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट चले जाएंगे, वहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब आते हैं नेशनल इमरजेंसी पे। देखिए नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, नेशनल इमरजेंसी इज लाइक अ डिक्टेटरशिप, मतलब सरकार जो चाह रही है वही हो रहा है, मतलब आपसे कह दूं कि आप एक जगह बहुत सारे चार पांच लोग गैदर नहीं हो सकते, अगर सरकार चाह रही है कि गैदर नहीं होना है तो आप नहीं होंगे। अब नेशनल इमरजेंसी में कुछ बातें ऐसी हैं जो फंडामेंटल राइट्स आपकी डिसॉल्व कर दी जाती है, जैसे आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो किस बारे में बात करता है, बट आर्टिकल 20 एंड 21 किसी भी तौर पे खत्म नहीं करा जा सकता जब नेशनल इमरजेंसी हो, बाकी कोई भी फंडामेंटल राइट अगर जरूरत पड़ रही है तो वो डिसॉल्व करी जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ऑन द टेम्पररी बेसिस। अब मान लो CAPF है, आर्म फोर्स है, उनकी ताकत नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर जो पार्लियामेंट है वो चेंज कर सकता है कि इसका एप्लीकेशन यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ होती है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी का छोटा भाई है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे कि मैं ले लूँ राजस्थान, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर किसी जो फॉरेन पावर है उसका इन्वेजन हो रहा है, तो वहाँ पर हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे मार्शल लॉ, क्योंकि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया मतलब पर्टिकुलर स्टेट में लगा हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं, अब आते हैं स्टेट डेफिनेशन पे। जब इंदिरा गांधी ने हम इमरजेंसी लगाई थी तो उसमें एक स्टेट ये शब्द के पीछे बड़ा विवाद हुआ था। रीजन क्या था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट कहा जाता है एंटायर कंट्री को, बट हमारे देश में स्टेट तो राजस्थान भी है, पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी है, तो कौन सी स्टेट की बात को हम माने, तो स्टेट को डिफाइन किया गया और स्टेट के अंदर क्या क्या आएगा उस बात को भी डिफाइन किया गया। उसमें कहा गया कि कंट्री के अंदर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो नेशनल इमरजेंसी के अंदर आ सकती है, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं या उसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर अगर जैसे मार्शल लॉ है या नेशनल इमरजेंसी है और अगर रिक्वायर्ड है कि कंट्री की कोई स्टेट जैसे कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोई भी स्टेट, तो उनकी लोकल बॉडी और स्टेट बॉडीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद आता है PSUs, जैसे बेल सेल, इन सभी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। पर अगर किसी प्राइवेट फर्म को आपको कंट्रोल करना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम क्या इस प्राइवेट फर्म को रोक सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल है, अब
कह दिया जाए कि 5G नेटवर्क नहीं चलेगा, तो अगर इस 5G नेटवर्क या मैं कहूँ 4G नेटवर्क नहीं चलेगा तो इस बात की परमिशन पहले सुप्रीम कोर्ट देगा कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, तभी नेशनल इमरजेंसी के अंदर ये चीज बैन हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरकार को लगता है कि कोई फंडामेंटल राइट, फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी, अब फंडामेंटल राइट में होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश के सुधार के लिए, हमारे देश के विकास के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को उठाकर आर्टिकल 300A में डाल देना चाहिए। तो क्या वो कर सकते हैं? हाँ, शर्त यह है कि वो पार्लियामेंट से उसे पास करते। एक बार वो पार्लियामेंट से पास हो गया तो वो कोर्ट के पास जाएगा। जब उसे वो कोर्ट के पास जाएगा तो वो आर्टिकल 13 के अंदर जाएगा और उसे हम कहेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब कोर्ट चेक करेगा कि जो फंडामेंटल राइट हटाई गई है वो सच में देश के विकास और बेहतर के लिए है, उनके लोगों को ध्यान में रख के किया गया है, या सरकार ने अपना दबदबा बनाने के लिए उस चीज का इस्तेमाल किया है फंडामेंटल राइट को हटाना। या मान लो कोई फंडामेंटल राइट ऐड करनी है तो भी डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू लगेगा। पार्लियामेंट ने एक बार पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तो कोर्ट चेक करेगा कि सच में उस फंडामेंटल राइट को होने की जरूरत है या नहीं। ये होता है वीडियो का एंड। आप अगर इस टॉपिक को आपको और बेहतर तरीके से समझना है तो आपको ये तीनों किताबें आपके पास होनी चाहिए। अब इनमें से कौन सी आप लेना चाहें वो आपकी इच्छा है, तीनों ही बहुत बढ़िया हैं। इन तीनों का काम ये है कि आपको जो पास्ट ईयर पेपर हैं उनसे आपको कंसेप्ट समझाएं, क्योंकि जो यूपीएससी है वो कंसेप्ट रिपीट करता है, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। तो इनमें से कोई सी भी आप बुक ले सकते हैं। इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग लेनी हो कि मैं कौन सी बुक लूँ, तो पहले इनके रिव्यू आप पढ़ें, 5 से 6 मिनट लगेंगे, और उस रिव्यू से आप जज कर पाएंगे कौन सी किताब सही है। मैं वैसे तो रिकमेंड करूंगा कि जिसमें एक्सप्लेनेशन हो वो लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बुक में जो ऑप्शंस दिए होते हैं कि भाई ए ऑप्शन राइट है, वो गलत होता है। तो जब आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि ये गलत है या नहीं ऑप्शन। अब मैं लेता हूं आपसे विदा, ये तो आपको पता ही है। अगर बहुत अच्छी लगी है तो खाने पे इनवाइट कर लीजिए। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो #washing रिकमेंड बॉक्स में बताइए हमें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।